यहाँ एक महिला ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। एक महिला ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया और ये भी कहा कि इस मारपीट में नवजात की मौत हो गई। आज नवजात का पोस्टमार्टम होना है। हालांकि जहां एक तरफ श्रीकांत के परिवार ने राजस्थान पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों ने इस बात का खंडन किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि कुछ दिनों पहले हरियाणा के भिवानी में दो लोगों को जिंदा जला दिया गया था। नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने का जो आरोप है उसमें एक नाम श्रीकांत पर भी है और ऐसे में जो पीड़ित महिला है उसने, जो श्रीकांत के परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है पुलिस के ऊपर कि धक्का मुक्की की वजह से बच्चे की मौत हुई है। आपको सुनवाते हैं पीड़ित महिला और भरतपुर के एसपी ने क्या कुछ कहा है। हरियाणा पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली है। परिजन जो है अपने बच्चे को लेकर के अब मेडिकल सासू को धक्का लगा हुआ है और अंदर हमारे गेट खोले हैं और फिर उस मैं गेट खोलने खड़ी हुई हूँ तो एकदम जोर से धक्का दिया, मेरे पेट में चोट लगी। उस दिन से परेशान हूँ मैं, उसी वजह आज मेरे बच्चा में इसको हो गया। कितने महीने का बच्चा था आपका? फुल टाइम था। कौन लोग थे, किन लोगों ने धक्का मारा था? यहाँ तो पता नहीं भैया, फिर पुलिस वाले या फिर कोई और हो, राम जाने, हम तो नींद में है भाई। रही दूसरी बात, रात में आने को कौन सा मतलब रहे, चेकिंग करो अब मेरे कमरे के ड्रेसिंग तोड़े। किसको ढूंढने के लिए आए थे? किसको ढूंढने के लिए आए थे? मेरे हस्बैंड को। क्या नाम है उनका? श्रीकांत। भरतपुर पुलिस तो मुझे मैं घर भी नहीं जानती है और मदीना पुलिस के साथ थी, उन्होंने ही जो बताया उसी के अनुसार तलाशी करी और उसके मुलजिम के घर पर कोई था ही नहीं। बाहर उसके दो भाई मिले, उनसे जरूर पूछताछ लाए थे घरों में, न तो कोई औरतों का जानकारी में है, न कोई इस प्रकार का मामला है। बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा आरोप लगा रहे थे। और हमारे संवाददाता अमित गौतम ने आरोपी श्रीकांत की मां से भी बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या कहा? जब रोई हूँ, फिपियाई हूँ, जब मेरा आदमी उतार रहा है, जब उसने मुझसे यूं कही है, माता जी अपने बेटा श्रीकांत को हाजिर करना और फिरोजपुर थाने आ जाना। फिरोजपुर थाने राजस्थान पुलिस? हाँ जी, हमसे तो फिरोजपुर थाने कह के गए थे। अच्छा, आपकी जो बहू थी, जो कमलेश थी, श्रीकांत की पत्नी थी, उनके ऊपर भी मारपीट की थी, कैसे? पूरा वाक्य बताइए, कब शुरुआत थी? उनको घर में सो रहे होंगे सभी लोग? सभी सो रहे जी, 3 बजे तो सभी सोते। कहाँ हो सब आश्रे, जब एकदम अचानक चढ़ेंगे तो डर तो भरेगा ही शरीर में, औरत को दिल्ली की तेज रहे, घबरा जाए औरत तो हम तो तीन सास वो घबरा गए। जब मारपीट बाजे, बच्चे में बाजे तो हम भी हाफत आई कर, उनने हम पे ही हाफत आई कर, हम तो अपने कह चढ़े कहा हुए कैसे हुए तो हम पे ही हाफत आई करी उनने। हमारे सहयोगी मोहित तो सीधे जुड़े हुए ग्राउंड जीरो से, उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। मोहित, ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब जो आरोप श्रीकांत के परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो वाकई गंभीर है, लेकिन पुलिस इन आरोपों को नकारी और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अगर अपडेट की बात करें तो आज उस बच्चे का पोस्टमार्टम होना है और पूरी रिपोर्ट सामने आने की आखिरकार बच्चे की मौत कैसे हुई। लेकिन जो श्रीकांत के परिवार का आरोप है, अपने में गंभीर आरोप है। इस वक्त हम श्रीकांत के परिवार में मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहते हैं जो गेट, इस गेट से जो राजस्थान पुलिस है वो अंदर आई थी और बताया जा रहा है करीब 30 से 40 पुलिसकर्मी थे जो जबरन घर के अंदर आए, ऐसा इस परिवार का आरोप है। इनका कहना है कि श्रीकांत इस घटना में शामिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद श्रीकांत को ढूंढने के लिए जब यहां पर आए तो उन्होंने यहां पर आके श्रीकांत के बारे में पूछा नहीं, सीधा आके उन्होंने ताबड़तोड़ यहां पर गेट खोलने शुरू कर दिया, गेट को खड़खड़ाना शुरू कर दिया और उस बीच में जो श्रीकांत की पत्नी थी कमलेश उसको भी धक्का लगा और उसके जो गर्भ में बच्चा था उसकी उस पूरे हादसे में मौत हुई है। श्रीकांत के पिता बालकिशन जी हमारे साथ हैं और उनके साथी सतीश भी हमारे साथ हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, इनसे बात करते हैं। सर, जिस वक्त पुलिस घर पे आई थी उस वक्त श्रीकांत यहाँ पे मौजूद था? नहीं जी। कहाँ गया होता श्रीकांत? श्रीकांत बाहर गया था जी। तो आपको पहले कोई नोटिस वगैरह दिया था? पुलिस ने कुछ बताया था कि श्रीकांत इस मामले में आरोपी है? हमें कोई सूचना नहीं मिली जी। नहीं मिली थी? नहीं मिली जी। इस बच्चे की मौत किस प्रकार की परिस्थितियों में हुई है? क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की धक्का मुक्की में बच्चे की मौत हुई है, पूरी उस वक्त के पूरे जो वाक्य हुआ था वो बताइए क्या हुआ था? वो अफरा तफरी का माहौल था जी, वो धक्का जबर जोर जोर से दे रहे थे, पहले तो हमको पकड़ा, फिर उसके बाद में बच्चों के कमरे में चले गए जी। अब वो अंदर से किवाड़ खोल रही थी, उसने धक्का मार दिया किवाड़ में जी और वो दूसरी तरफ गिर गई, गिर जाने से जो है मतलब बच्चे को नुकसान पहुंच गया जी। तो उस दौरान खाली राजस्थान पुलिस के लोग थे या हरियाणा पुलिस के लोग भी थे? नहीं जी, हमने तो RG नंबर गाड़ियां देखी थी, राजस्थान की पुलिस थी।
तो जब आप यहाँ लोकल पुलिस से बात करने गए तो उन्होंने बताया कि उनके उनको इस बात के बारे में जानकारी थी कि आज आपके घर में रेड होने वाली है? हमने तो इस बात में तो पता नहीं किया जी, बाकी हमें सूचना नहीं मिली पुलिस की तरफ से कि भाई तुम्हारे घर में रेड होने वाली है। अब आपकी तरफ से क्या शिकायत दी गई है? हमारी तरफ से शिकायत यही है जी कि जो कुछ ये हमारे साथ दुखद घटना हुई है ये राजस्थान पुलिस की वजह से हुई है जी, वरना ऐसा नहीं होता।